3.6 सम नंबर 1 द नेक्स्ट पार्ट है साढ़े को। ठीक है, हूँ ये साढ़े को डिनोमीनेटर से इक्वेशन है वो तुम देखो कि दोवे से सेम आँ इतने भी 3x प्लस वाई है, इतने भी 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, बट साढ़े को वाला जो आंसर आ ना 3/4 ये आ रहा साढ़े को फ्रैक्शन आ भी फ्रैक्शन आ रहे हैं। दूसरी गल इतने 2 एग्जिस्ट करता पाया। ठीक है, सो सब तो पहले असं उ लिखा लैट 1/ 3x प्लस वाई के इक्वल है जी ए। ठीक है, तो 1/ 3x माइनस वाई के इक्वल है बी दे। ठीक है, फिर साढ़े को वाली क्वेश्चन की बनेगी, ए बनेगी अपने को ए प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, इनू खत्म करांगे ना फ्रैक्शन तो की बन जाएगा 4a 4b इक्वल्स टू 3। इनू नंबर दे दें आप नंबर 3, आ नंबर 1 होएगा, आ होएगी नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 हूँ 2 नू सॉल्व करो, ए की बनेगी आ वाली टर्म की बन जाएगी साढ़े को, बनेगी ए ओवर 2 माइनस बी ओवर 2 इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, असी इधरों डिनोमीनेटर खत्म करना, इधरों 2 खत्म करना। तुसी देखो 2 किवें खत्म होएगा जेकर आप सारी इक्वेशन 8 इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इधर भी 8 मल्टीप्लाई 8 नाल 8 कैंसल हो जाएगा, सो 8 मल्टीप्लाई करो कि आ जाएगा 8a/2 -8b/2 -8/8। इन सॉल्व करो कि बनेगा 4a-4b इक्वल टू -1 नंबर 4। ठीक है, हूँ आप नंबर 3 वाली क्वेश्चन तो नंबर 4 वाली क्वेश्चन दोनों रीराइट कर लें, सॉल्व करांगे 3 and 4। 3 इक्वेशन की है मेरे को हैगी जी 4a+4b इक्वल्स टू 3, सो 4a-4b इक्वल्स टू -1। इस सब में वैसे तुम डायरैक्ट इलीमीनेशन नाल करो तो ज़्यादा सॉल्व ईजली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सीधे कैंसल हो रहे हैं, बट मैं इस मैथड में इंप्लीमेंट नहीं करा, मैं करा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के नाल। ठीक है जी, ता जो थोड़े दिमाग किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे। सब तो पहले मेरे को नंबर 2 टर्म है, नंबर 2 टर्म है यानी कि 4 and -4, 3 means 3 -1, 4 4 4 and -4। सो हम इनमें सॉल्व करा ए बी एंड -1। वैसे आप इतने कोमा पाने फिलहाल तुम इक्वल्स टू पा सकते हो। ठीक है, इन्हें सॉल्व करो कि आ जाएगा -4 + 12, फिर इन्हें सॉल्व करा 4 3 12 प्लस 4, इनू करन लगे अपने को एक माइनस ले दें, इनू ये करा -16 and -16। ठीक है जी, 4 4 16 आ माइनस था, सो माइनस का 4 4 16 अपने को माइनस लगाने, सो ए दी वैल्यू मेरे को आ जाएगी 8, बी आ जाएगा 16, -1/-32। सो माइनस नाल माइनस कैंसल हो जाएगा, ए अपॉन 8 के कोल आया जी 1/32 दे, इट मीनस ए के कोल हो गया 8/32, मीनस ए दी वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 1/4। ठीक है, सिमिलरली बी अपॉन 16 भी के कोल है 1/32, बी के कोल हो जाएगा भी 16/32 दे, यदि मतलब बी के कोल हो गया जी 1/2। आ दोवें वैल्यूज़ आप दोबारा सॉल्व करांगे, ए साढ़े को 1/4, बी इक्वल टू 1/2, ए दी वैल्यू आप लै रहे हैं 1/3x + y इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, बी लै रहे हैं 1/3x - y इक्वल टू 1/2, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर दो कि बन जाएगा 3x + y इक्वल टू 4 एंड 3x - y इक्वल टू 2। ठीक है जी, फिर सॉल्व कर दो चाहे जोड़ा मर्जी मात्र इंप्लीमेंट कर दो, 3x + y इक्वल्स टू 4, 3x - y इक्वल्स टू 2, मैं कहूँगी इन्हों ऐड कर दो। ठीक है जी, कैंसल हो गए, 6x = 6, सो एक्स की वैल्यू अपने को आ रही है 6/6 यानी कि 1। हूँ एक्स जोड़ा है किसी भी नंबर वाली इक्वेशन फिल कर दो, क्या जाएगा 3x + y इक्वल्स टू 4 मीनस 3 × 1 + y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 4 - 3, सो वाई के कोल हो जाएगा जी 1 दे, तो एक्स की वैल्यू अपने को 1 है, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने को 1, सो दैट्स द आंसर।